अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ VLCC की फेशियल किट का रिव्यू शेयर करूंगी। आई थिंक बहुत से लोगों ने ये किट यूज़ की होगी और सबके अपने अपने रिव्यूज़ होंगे। यहाँ पर मैं VLCC की गोल्ड फेशियल किट यूज़ कर रही हूँ और इसमें वाइड वैरायटी ऑफ फेशियल किट है, लाइक आपकी स्किन टाइप्स के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैनीक्योर पेडीक्योर की भी किट है जो कि कंबाइन आती है, और सेपरेट भी है, पेडीक्योर की किट है और मैनीक्योर की अलग किट है। सो इट्स ऑल अप टू यू के आप क्या चीज़ परचेज करके क्या चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। सो ओवरऑल इनकी सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। साथ ही साथ मैं इसी वीडियो में जेड रोलर का रिव्यू भी शेयर करूंगी आपके साथ। जेड रोलर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और ये बहुत कॉमनली अब यूज़ होने लगा है। सो मैंने भी सोचा कि मैं भी इस जेड रोलर की के जो बेनिफिट्स हैं उनको ट्राई आउट करूँगी, ये किस तरह से वर्क करता है। तो अब इस वीडियो को प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। Crystal sky, crowded places. So VLCC की इस तरह से जो फेशियल किट्स आती हैं उसमें 4 से 5 या 6 इस तरह के छोटे साशे होते हैं, और ये साशे आप 3 बार अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं। लाइक 4 से 5 साशे हैं तो हर एक साशे को आप 3 बार, कम से कम 3 बार आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं, और इसमें इतनी क्वांटिटी होती है कि आपका 3 बार कंप्लीट फेशियल हो जाएगा। यहाँ तो मैंने बहुत ज़्यादा लगाया है क्योंकि मैंने जस्ट 2 बार अपना फेशियल किया था इस एक किट से। सो पहले मैंने स्क्रब था फर्स्ट स्टेप में, और इन पैकेट्स के ऊपर स्टेप लिखे हुए होते हैं कि फर्स्ट स्टेप पे आपने ये लगाना है, सेकंड पे ये लगाना है, थर्ड पे ये लगाना है। सो यहाँ पर मैं थर्ड स्टेप कर रही थी। ये एक जेल था जो इस तरह से था, और इस तरह से मैं अपने फेस पे मसाज कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं ये क्लिनजिंग ब्रश, जो कि क्लिनजिंग ब्रश मशीन है, इसको यूज़ करूँगी। इस मशीन का डिटेल रिव्यू मैं आपके साथ अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ, प्लीज़ डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर अब मैं इसकी मसाज क्रीम अप्लाई कर रही थी। मसाज क्रीम को मैं पहले फेस पे अच्छी तरह से इस तरह से स्प्रेड कर लूँगी और अपनी फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा मसाज करूँगी। और सेम ये जो ब्रश मशीन है ये आप मसाजिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्लिनजिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस मशीन को यूज़ करने के बाद मैं जेड रोलर की तरफ जाऊँगी। जेड रोलर बेसिकली यूज़ होता है मसाज क्रीम्स के लिए, सिरम्स के लिए, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के लिए। और जेड रोलर की मोशन आपने अपवर्ड और आउटवर्ड अपने फेस पे रखनी होती है, नेक पर आपने आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड रखनी होती है। जेड रोलर के बेसिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं फेस के लिए। ओवरऑल ये आपकी एजिंग प्रोसेस को कम करता है, आपके स्किन पर ब्लड सर्कुलेशन को इनक्रीज़ करता है, आपके डार्क सर्कल्स को लाइटन अप करता है, आपकी स्किन को टाइट रखता है, आपकी स्किन को यंग रखता है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, शायद मैं सारे बेनिफिट्स मेंशन भी ना कर पाऊँ, बट इसके यूज़ पे बहुत डिपेंड करता है। आप इसको जिस तरह से बताया गया है कि इसकी मोशन को आपने इस तरह से फेस पे चलाना है तो उसी तरह से आपने इसको अपने फेस पे चलाना है, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको इसका तब होगा जब आप इसको नाइट टाइम में अपने सीरम के साथ, अपने मॉइस्चराइज़र के साथ, या जो आप अपना ऑयल लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, या कोई शीट मास्क आप अप्लाई करते हैं तो उसके साथ आप जेड रोलर को यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप मसाजिंग के साथ, सीरम्स के साथ, और इस तरह से जब आप शीट मास्क अप्लाई कर लेते हैं तो उसके साथ आप इस जेड रोलर को इस तरह से अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। नेक को मत भूला करें, फेस के साथ साथ नेक भी जो है वो नुमाया होती है, तो नेक के ऊपर भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो ओवरऑल जेड रोलर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा है, और इस तरह से आप इसको नाइट टाइम रूटीन में अपने ऐड कर लें। डेली आप अपने नाइट टाइम रूटीन में इस तरह से जेड रोलर को यूज़ करें। प्लस ये कि अगर आप जेड रोलर को फ्रिज में रख देते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स निकल कर आते हैं। ठंडे जेड रोलर को आप अपने फेस पे इस तरह से नाइट टाइम रूटीन में अगर आप यूज़ करेंगे तो वो मतलब डबल बेनिफिट्स कर देगा। लेकिन ये है कि रूटीन में यूज़ रखना है, ये नहीं कि एक दो बार यूज़ किया और नहीं पता चला, एक दो बार से इस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं आता, ये आपको डेली यूज़ करना पड़ता है, या वीक में कम से कम 3 बार तो जेड रोलर आप यूज़ करें।
आप डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स जो स्किन पे मिलते हैं वो नाइट टाइम रूटीन में मिलते हैं। नाइट में आप जस्ट अपना एक कोई भी नाइट टाइम रूटीन का मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस तरह से जेड रोलर अप्लाई कर लें। सो यहाँ पर ओवरऑल मेरा VLCC का फेशियल कंप्लीट हो गया था। मास्क मैंने शीट मास्क अप्लाई किया यही दिखाने के लिए कि जेड रोलर को आप शीट मास्क पर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर ओवरऑल मेरी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।